نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد रिकॉर्डिंग राणा तैयब ब्राय आरएमसी मिलने का पता राणा ब्रदर्स इस्लामिक केफर सेंटर निज मदनी जा मस्जिद खतीब मौलाना कारी मदनी साहब शर राशिद बहावलपुर रोड मुल्तान पाकिस्तान उमर करा हजरात की तिलावत मशहूर मारूफ नातें और मुमताज़ उलमा इकराम की तकारीर के कैस्टों का मरकज राणा ब्रदर्स इस्लामिक केफर सेंटर निज मदनी जा मस्जिद बहावलपुर रोड मुल्तान पाकिस्तान शरकसी करने वाले मुल्क में जमीन पर अल्लाह की जमीन पर फसाद करने वाले बदमाशी करने वाले खुदावंद आलम ने इन सब का अंजाम कुरान में पहले बयान फरमा दिया। जब गुना इनफरादी हुआ करते थे तो अजाब भी इनफरादी आता था,
अब गुना चूंकि इज्तिमाई हो रहे हैं, अजाब भी इज्तिमाई आ रहा है। मासूम बच्चे अजाब का शिकार हैं, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, अच्छे बुरे तमाम के तमाम मुसीबत में गिरफ्तार हैं। और ये तो हुआ करता है, बाप की जायदाद का मालिक अगर माल का मालिक बनना, मकान का मालिक बनना, जायदाद का मालिक बनना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि माँ बाप के गुना, माँ बाप की बदकारी, माँ बाप की फाहिशकारी का अजाब भी औलाद पे पड़ता है। और बदकिस्मती से कोई भी अपने आप को गुनाहगार नहीं मानता। दो जान का गुंडा, दो जान का बदमाश, परले दर्जे का शैतान भी अपने आप को गुनाहगार नहीं मानता। अल्लाह पाक जिल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक्बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजो, घर में मौत भेजो, पानी में गर्क करके मारो, किसी और अजाम में मारो, मेरी मर्जी। वकम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म और ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूं मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगरदानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान है। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया काल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, ओ जालमो बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, मेरे मेहमानों की तौहीन ना करो। फरमा काल या कौम इन्नहा उलाई बनाती हूं अतहरु लकुम फत्तकुल्ला। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد। काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो?
फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे आलू इल्ला उर्सिल्ला इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुशरिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंधे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मउ दुआकुम वलौ समिउ मुस्तजाबू लकुम वयौमल कियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुसल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफज आते हैं कुरान में, ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है, खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदात कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते, दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुना जो है इसको तो लोग अब गुना ही नहीं मानते, औरतें भी मर्द भी, छोटे बड़े अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमाम अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है, वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं, लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। तीन मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस कयामत का नजदीक आएगा, कुर्ब कयामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गर्क नहीं हो जाएंगे, बाद नहीं आएंगे।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں, مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں, استغفار توبہ کی توفیق نہیں, ادھر دم نکلے گا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی, ایسی تلقین کی, ان کی ایسی تربیت فرمائی, کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے. معاذ سلمی رضی اللہ تعالی صحابی ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا, وہ محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں, ارے ان کے گناہ اور تھے, ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا, کسی نے دیکھا نہیں, مخبری نہیں کی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, جوان خود آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے, حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تہرنی تہرنی, مجھے پاک کر دو, مجھے پاک بنا دو, مجھ سے گناہ ہو گیا, انی قد ہلکتو, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں مارا گیا, میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا, پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی, گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دائیں طرف منہ کر لیا, وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا, رات سوتے میں ہو گیا ہوگا, یہ تیرا عقل دگ گیا ہوگا, تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا, کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے, میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی, تقاضے پہ تقاضا کیا, مجھے سزا دو, اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا, شادی شدہ تھا, سنسار کرتے ہیں, پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہوگی قبروں میں چلے گئے, قرآن موجود ہے, قانون موجود ہے, ماننے والے چلے گئے قبروں میں, اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر, سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے, ہڈیاں مارنے لگے, خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی, اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, فرمایا بعد آ جا, میرے صحابی کو کچھ نہ کہو, اس جوان کو کچھ نہ کہو, کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے, وہ استغفار کیا ہے, اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتاوا کرتے تھے, ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے, جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا, ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک ہی نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو مزے اڑا لو, سودا چند دنوں کا ہے, متاؤں قلیل, تھوڑے دنوں کا معاملہ, ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد,
बुरा ठिकाना अपने लिए लोगों ने बना लिया। एक और औरत से गुना हुआ, खुद हाजिर हुई है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर हद जारी करो, मुझे कुरान वाली सजा दो, इस्लाम वाली सजा दो, ईमान यकीन वाली सजा दो, कयामत के दिन मैं किस तरह भुगताऊंगी मुझको सजा दो ताकि मैं अपने गुनाह से साफ पाक हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हमल तो नहीं? उसने कहा हां हो गया। पैगंबर पैगंबर है, नबी नबी है, और ये तो इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गुना तूने किया, सजा तुझे दें, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया इस बच्चे के कत्ल का कयामत में मैं क्या जवाब दूंगा। आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है जिना का। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशन दान दरवाजे लानत करते हैं, और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठकर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है, कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुना नहीं होगा इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना, इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, अरसलना अलैहिम तूफान والجراد والقمل والضفادي والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। तूफान आया, डूब गए, मरे लोग गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तोबा करके आए हैं, अब शिर्क नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी, फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं, ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जू होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं, रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अजाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल यह बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोके डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रक्त जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा,
एक बर्तन में पानी भर, मानने वाले से कहा। फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा, और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेरियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा, कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पर लटके हुए, जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे? फरमा अल्लाह फरमाते हैं, हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती, इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा एक हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मरने गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियादी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फइज़ं शक्कति समाउ फकानत वर्दतन कद्दिहान, मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बे नमाज बस्तियों की बस्तियों में डेढ़ दो दो नमाज ही नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज्यारत करने वाला कोई नहीं, मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अजाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लों से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था, मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कहकर के रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं, वो रोने लगा, कहने लगा कई सौ लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। साहबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी, या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु
मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं जमीन पे चलने के काबिल न रही, अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलूस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइयें पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि कयामत के दिन के अजाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए। मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। कितना बड़ा फर्क है सहाबाए किराम में और हम गुनाहगारों में, कोई साबित नहीं कर सकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हद कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो इसके हाथ में रोटी है, जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी आका आज वापिस नहीं जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था लोग कयामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे, आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया लोगो बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर, फसाद मिच गया जमी में जमा में, खुशकी में तरी में, मकान में दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया बीमा का सबक आई दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं। हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिम रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये तो असी लोग हैं, पता नहीं जी मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, पता नहीं करता क्या है रात दिन सिवाय गुनाहों के, अल्लाह के कहर को दावत देने के, खुदा के गजब को बुलाने के सिवा और हम करते क्या है। सुबह उठकर गाना बजाना, सोते वक्त चारों तरफ गाना बजाना, सफर में गाना बजाना, कब्र में मैयत उतर रही है तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। फरमाया बीमा का सबक आई दिन
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ। अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर अजाब का मजा चिखाया करता हूँ, अजाब का जायका चिखाया करता हूँ और ऐसा चखाता हूँ ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखें। आज भी पता दिमाग में क्या है, अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है, वालिद साहब बड़े सियाणे थे, कुर्सी ऊंची बांधी, बंगला ऊंचा है, कोठी ऊंची है, अल्लाह के अजाब के सामने कोई ऊंचा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐलान कर दिया बाद आ जाओ वरना तूफान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पर जब गए, औरत रोटियां पकाती थी, जब अमीर बदमाश होते हैं तो गरीब पहले बदमाश बन जाते हैं। जितना जुबान का गुना गरीब आज करता है इतना अमीर नहीं करता। सारा दिन सारी रात बक 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 बक। नूह अलैहिस्सलाम को देख करके वो बुढ़िया कहने लगी जो रोटियां पका रही थी, बेटा नूह शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोहना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल जा तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा पानी आएगा, तूफान आएगा, अजाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पास पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह की साख मजाक न कर। قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है, वो इस पे कादिर है। वफारत नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फरमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री वकुंतुम तदहकून। फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुना करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने ओ सालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा, तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए, फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का आरस हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिर्क, कितने बिदात, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुना, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے, عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں, یہ طوفان آتے ہیں, یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جب زنا کی کثرت ہوگی, جب بدکاری کی کثرت ہوگی, جب بدماشی کی کثرت ہوگی, اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے, آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھنے اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی, فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ, جلانے والی بھا, اڑانے والی آگ, یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, صرف بجھ نہیں گئی, بسم نہیں گئی, واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا, جس جس نے نبی کے یاروں کا, نبی کے جانساروں کا گلہ کیا ہوگا, شکوا کیا ہوگا. میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں, اشتام کر دیتا ہوں, کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا. ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں ہے, کتنی پاک سرزمین ہے, امام الانبیاء کا شہر ہے, کالی کملی والے کا شہر ہے, نبی کے 10,000 جرنیلوں کا شہر ہے, اہل بیت کا شہر ہے, سیدہ زینب سیدہ رقیہ کا شہر ہے, سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمۃ الزہرا کا شہر ہے, حسنین کریمین کا مسکن ہے, اللہ والوں کی بستی ہے, صحابیات اور صحابہ کرام کا ٹھکانہ ہے, اما عائشہ صدیقہ کا ٹھکانہ, سیدہ ام سلمہ کا ٹھکانہ, ام حبیبہ کا گھرانہ ہے, سیدہ صفیہ کا گھرانہ ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مدینے میں زلزلہ آیا, فاروق نے دعا نہیں مانگی, فاروق نے سجدہ نہیں کیا, بلکہ اپنا کوڑا اٹھا کر زمین پہ مارا, فرمایا اسکن, ٹھہر جا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر نمازیں بڑی پڑھی ہیں, میں نے سجدے بڑے کیے ہیں, میں نے قرآن کی تلاوت تجھ پہ بڑی کی ہے, نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے. فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ میں نے تجھ پہ انصاف اور عدل کیا ہے. جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی, عدالت جب بے انصافی کرتی ہے, خدا کا قہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی. پنچایتوں میں, میٹنگوں میں, محلوں میں کاؤنسلر اکٹھے ہوں گے, وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرنا ہے, منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے, اور اس کو گناہ نہیں مانتے. جس کی حمایت کی ہو نا, پھر اس کو علیحدہ مل کر کہتے ہیں دیکھا پھر ساڈے ہاتھ ویکھے جے, دیکھے سارے ہاتھ لگا نا, اسی کر دیتا پرلے پار, سارے نال روی سارے کر دے ووٹ ہوں سارے. بےمانی کرنی, پھر فخر کرنا, پھر تکبر کرنا. فرمایا والا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فاللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل, میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا, میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا. اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا. ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں
ऐसी परेशानी पहुंचाते हैं, आदत नहीं मेरी साथ जो कौम करती है या मुल्क करता है या लोग करते हैं या बरादरी करती है, आदत नहीं कभी कहने की, अपने रब से कहता हूं। लेकिन इस हफ्ते में जो मेरी साथ ज्यादती हुई, मुझे उसका इतना दुख पहुंचा कि सारी जिंदगी में दुख नहीं पहुंचा। कराची के कुछ बदमाशों ने, कराची के कुछ गुंडों ने, और अफसोस यह है कि वो गुंडे दाढ़ियों वाले हैं, उन्होंने वहां के अखबारों में खबर दी कारी अनीफ नस्तर कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गया, दो बीवियां छोड़ गया, इतने बच्चे इतनी बच्चियां छोड़ गया, मेरे घर पर रिश्तेदारों की भरमार, मेरी सगी हमशीरा शहजादपुर सिंध में है, हफ्ता हो गया दिल के अटैक की वजह से बिल्कुल बीमार है। बेफायदा गुना, मैं दुआ करता करता थक गया, या अल्लाह कराची में क्या अजाब आया, अब तसल्ली हो रही ना कि कराची वाले बदमाश हो गए। और मेरी कोई जागीर है जो कराची के गुंडों को मिलेगी, मेरी कोई, मेरा कोई बंगला है, मैं कोई वजीर हूं जो मेरी वजारत उनको मिलेगी, खामखा परेशान करना। दो चार छोकरे इकट्ठे हुए और बदमाश करके लाखों आदमियों को परेशान कर दिया, सैकड़ों टेलीफोन पे टेलीफोन है, मेहमान पे मेहमान है, आमद पे आमद है, क्या हुआ उधर से कुछ। आज भी आपके इस जुमे में सखर से भी कराची से भी कई आदमी आए हुए हैं। अब अगर मैं कुछ कहूंगा ना, क्योंकि तुम भी गौस अब्दालों से कम तो नहीं, यहां से निकलते हुए कहोगे चंगा नहीं कीता, नबी ने बद्दुआनी की थी, बद्दुआनी करनी चाहिए। तुम ईमानदारी से कहो, जिसने मेरी औलाद को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को इतनी तकलीफ दी, मैं उनके लिए दुआ करूं? मैं तो दुआ करता हूं जितने भी इस बदमाशी में शरीक हैं, या अल्लाह प्यास की मौत आए, कलमा नसीब ना हो। जितने भी इस बदमाशी में शरीक है, इलाही ऐसी तरीके से मौत आए, प्यास की हालत में मौत आए, कलमा नसीब ना हो, बर्बाद होकर के मरे। मैंने चोरी किया किसी की? मैंने डाका मारा? मैं तो सियासी पार्टी का मैं नहीं, पीपल पार्टी का मैं नहीं, मुस्लिम लीग का मैं नहीं, पीडीपी का मैं नहीं, एमआरडी का मैं नहीं, और मैं तो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मेरे साथ इन लोगों का क्या झगड़ा है? कितनी शरारत पे शरारत मुल्क में, अच्छा भले मौलवी फैला रहे, मौलवी मुसल्ला बेईमान हो गया। तुम्हें किसने तरबियत दी है? तुमको किसने सिखाया है कि तुम लोगों को यूं परेशान करो, यूं करो और अपना फायदा उठाओ? किसी पर ज्यादति ना करो। हदीस पाक में इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाजी ज्यादती ऐसी होती है जब अगले का दिल डूबता है, अरस हिलने लग जाता है। अब बाद लोग कहते हैं केस करो, मैं केस करके क्या करूंगा? मैंने तो अल्लाह की अदालत में केस कर दिया, अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला पूरी कौम को, पूरी उम्मत को, पूरे मुल्क को तूफान बारिश और ये पानी का जो सैलाब अजाब आया हुआ है, अल्लाह अपना करम फरमाए तो बच सकते हैं, वरना गवर्नमेंट के बस का नहीं, इंतजामिया के बस का नहीं, किसी हुकूमत के बस का नहीं। बांग्लादेश सारा तकरीबन इस साल बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से वहां मुसलमान कितने परेशान है, करोड़ों आदमी बेघर हो गया। अल्लाह पाक उन पे करम फरमाए, हमारे पाकिस्तान के भी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब के हालात को बेहतर से बेहतर फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हरकत करने वाले कराची के आदमी का नाम मैं लेना भूल गया, ताकि कराची तक के लोगों को पता चल जाए, सबसे बड़ा वहां का एक बदमाश है अब्दुल गफूर मैमन, ये सबसे बड़ा वहां का बदमाश है, तकरीबकार है, रूस से पैसे खाता है। अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे, दो जहान में तबाह जलील खार करे। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। يا الله سارے ملک پہ کرم فرما، مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، اپنی کریمی فرما۔ یا اللہ بچوں کو، مرد عورتوں کو سب کی حفاظت فرما، مولا کریم سارے پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، اعمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ یا اللہ جو بلا کسی وجہ کے میری مدرسے کی مسجد کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو یا تو ہدایت عطا فرما، نہیں ان کو برباد کر دے۔
और जो हमारे इदारे की मस्जिद की मेरे खिदमत गुजार हैं, अकीदत रखते हैं अल्लाह ताला दो जहान में करोड़ों गुना खैर और बरकतों से माला माल फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। हाफिज असलम दोस्त था मेरा गुजरा वाले का, उसकी सास का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहूमा की मगफरत फरमाए। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब कारी मीरुद्दीन मरहूम के शागिर्द हैं, मेरे साथी हैं, अस्पताल नस्तर में बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कामिल आजला मुस्तमिर अता फरमा, आमाल सालह अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन।